हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंह ऑटो टॉक्स। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ हीरो की तरफ से आने वाली जूम। ये 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होने वाली है। ZX इसका टॉप वेरिएंट है जो अभी हमारे सामने खड़ा हुआ है। VX इसका जो है सेकंड टॉप मॉडल है, और इससे नीचे जो वेरिएंट आता है वो आता है LX। तीनों के प्राइसिंग आपको डिफरेंट देखने मिलते हैं। पहला जो ZX टॉप वेरिएंट प्राइस, टॉप वेरिएंट जो हमारे सामने आज खड़ा हुआ है, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 76,700 है। ये 4 कलर में भी अवेलेबल है, मतलब इसके जो कलर जो आते हैं वो 4 कलर आते हैं टॉप वेरिएंट में। और VX की बात करूं तो आपको वहाँ पे 3 कलर्स देखने को मिलते हैं जो कि आपको डिस्प्ले पे देखने को मिलेंगे। और 71,800 इसका एक शोरूम प्राइस होने वाला है VX वेरिएंट का। LX वेरिएंट का जो प्राइस है वो 68,600 होने वाला है, और सिंगल कलर में अवेलेबल होने वाला है जो कि ब्लू कलर ही आता है। इसके अलावा और कोई चेंज आपको 20 वेरिएंट में कुछ भी नहीं देखने को मिलता। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करता हूँ ना इंजन की, तो बहुत ही शानदार सा आपको प्रोग्राम FI इंजन आपको देखने को मिलता है, जो कि 110cc का इंजन है और प्रोड्यूस करता है 8 PS की पावर और 8.7 Nm का टॉर्क। अब जान लेते हैं इसके कुछ खास फीचर्स। तो खास फीचर्स में ये गाड़ी किस तरीके से सुटेबल होने वाली है उसकी हम बात कर लेते हैं। कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंट दिया ही हुआ है। तो पहले तो फ्रंट इसके लुक की बात करें तो कहीं ना कहीं स्पोर्टी लुक दिया गया है। बहुत ही प्यारी सी डिजाइन दे रखी है। अगर फ्रंट में देखते हैं तो बहुत ही प्यारा सा एक नीट कलर आता है, और ये जो कलर है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ऊपर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे मिरर मिल जाते हैं, और विंडशील्ड कुछ ऐसी देखने मिल जाती है। हेडलैम्प की बात करूँ तो यहाँ पे आपको साइड में ऐसे लाइट इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिलते हैं पहले, और नीचे दिया जाती है आपको लाइट, और यहाँ पे मिल जाती है इसकी सिग्नेचर DRLs आपको इसमें दिए गए हैं। हेडलाइट वगैरह का सेटअप यहाँ पे दिया, और ये जो हेडलाइट है इसमें एक चीज है, ये प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको दे रखी है। आप प्रोजेक्शन के साथ में ये हेडलाइट का सेटअप पूरा का पूरा कंप्लीट दिया गया है। LED सेटअप है। साइड में यहाँ पे कुछ चेंजेस है जो किसी भी स्कूटी में नहीं दिए गए हैं। ये है इसके कॉर्निंग लाइट, आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती है कंपनी की तरफ से। ये डुअल टोन में, ये जो कलर जो दिख रहा है डुअल टोन में है, दोनों ही मैट कलर आपको देखने मिल जाएगा, कोई भी ग्लॉसी कलर इसमें नहीं दिया गया है। नीचे की तरफ आते हुए तो यहाँ पे मडगार्ड दे रखा है, ये भी डुअल टोन में है, और यहाँ पे रिफ्लेक्टर प्रोवाइड करा गया है। फोक्स मिल जाते हैं आपको जो सस्पेंशन के लिए बेटर होते हैं, और बहुत ही प्यारे से मिल जाते हैं डायमंड कट अलॉय व्हील्स। डायमंड कट अलॉय व्हील के साथ में यहाँ पे आपको डिस्क ब्रेक भी दिए हैं, और वाइब्रेक के कैलिपर्स भी दिए गए हैं, और ये रॉयल एनफील्ड में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कंप्लीट सेटअप दे रखा है पूरा का पूरा फ्रंट डिजाइन का, i3s पे बेस्ड है तो वो देखने मिलता है। और 3 लीटर की कैपेसिटी के साथ में यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स प्रोवाइड कराया गया है। तो ये ग्लव बॉक्स है, 3 लीटर की कैपेसिटी ईच आपको देखने मिलती है। और नीचे की साइड में आपको मिल जाता है USB पोर्ट, यहाँ पे चार्जिंग के लिए ऑप्शन दिया है। यहाँ पे प्लग इन वगैरह करने के बाद में आप इसको यहाँ पे मोबाइल वगैरह रख सकते हो। बैक साइड में आते हुए तो यहाँ पे आपको फुटरेस्ट वगैरह दे रखा है। अब इसमें साइड स्टैंड तो आता है, तो जो कि यहाँ लगता है अभी लगा नहीं रखा है, तो इंजन ऑटो कट के साथ में मिल जाता है। पीछे की साइड में इसमें डुअल आपको स्टैंड देखने मिल जाता है, ये जो मिडिल स्टैंड होता है वो यहाँ देखने मिलता है। और यहाँ पे किक स्टार्ट जैसे पुराने आता था वो अभी भी इसमें आता है, अगर सेल्फ काम ना करे तो इसको भी आप यूज में ले सकते हो, इनकेस कभी कभार हो जाता है बट आजकल नहीं होता है। साइड में थोड़ा फेंडर की बात करता हूँ तो जूम की बैजिंग देखने मिल जाती है, हल्का सा इसमें डल क्रोम देखने मिल जाता है। एक्सटेक टेक्नोलॉजी जो यूज करी है वो है, और बूट वगैरह एक्सेस करने के लिए आप यहाँ से ओपन वगैरह कर सकते हो, साइड फेंडर भी ओपन हो जाता है। और ये बहुत प्यारा सा सेटअप दे रखा है पूरा रेयर प्रोफाइल का। और बैक साइड में जाते हुए यहाँ पे जो चीजें मेरे देखने मिलती है, बहुत ही प्यारा सा सिग्नेचर लाइट मिल जाती है। स्टॉप लैंप दे रखी है जो ब्लैक, यहाँ पे जो देख रहे हो ना एच सिंबल बना हुआ है इस तरीके से, इसको एच लाइट, ये इसकी एक स्पेशल USP में बोल सकता हूँ। टर्न इंडिकेटर वगैरह प्रोवाइड करे गए हैं, हीरो की वही बैजिंग यहाँ पर भी, हीरो की बैजिंग और लाइट का सेटअप यहाँ पे दे रखा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर प्लेट की लाइट की सेटअप यहाँ पे प्रोवाइड करा गया है। ये बैक मडगार्ड इस तरीके का दिया है। टायर प्रोफाइल यहाँ पे देख रहे हो तो बैक साइड में आपको कोई भी ब्रेक वगैरह, मतलब डिस्क ब्रेक नहीं दी गई है, ड्रम ब्रेक वगैरह का ही ऑप्शन दिया है बैक में। और डायमंड कट अलॉय व्हील्स दोनों मिल जाते हैं। टायर प्रोफाइल की बात करूं तो ट्यूबलेस टायर आपको देखने मिल जाता है, 100x80 और 12 इंच के टायर इसमें दिए गए हैं। 90 यहाँ पे 56L लिखा है ना, इसका भी एक मतलब है, तो वो क्या मतलब है ये आपको मेरी कई सारे रील्स में देखने को मिल जाता है। अब अमेजिंग चीज, अगर आपको यहाँ पे फ्यूल वगैरह इंजन ऑयल वगैरह चेक करना है, एक्चुअली इंजन ऑयल चेक करना, तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर आपको दे रखा है बहुत ही प्यारा सा एग्जॉस्ट जो कि इंसुलेटेड है, इसके साथ में फुल्ली कवर्ड है, प्यारा सा। इसका साउंड भी मैं आपको सुनाऊंगा। और ये है इसका इंजन, पूरी जान जो है वो यही है। और यहाँ पे मिल जाता है आपको फुटरेस्ट। यहाँ पे आते हुए स्पेसिंग बहुत ज्यादा तो नहीं है, डिसेंट सी स्पेसिंग आपको देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें चेक इंजन लाइट मिल जाती है, फ्यूल लाइट आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे पूरा का पूरा फ्यूल गॉज दे रखा है, ये भी डिजिटल है।
टाइमिंग वगैरह, ऑडोमीटर, ट्रिप ई, और यहाँ पे कितने किलोमीटर चल चुकी है, ये सारी चीजें हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे दे रखा है एक सेटअप, दो कीज आपको देखने मिल जाती है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, यहाँ पे आपको मोड और यहाँ पे आपको देखने मिल जाती है सेटिंग्स। तो इस पे क्लिक करने के बाद में ट्रिप, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज आपको देखने को मिलती है, और यहाँ पे मिल जाता है सेट करने का ऑप्शन। तो इस तरीके का पूरा प्रोफाइल इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का है। अब डिफरेंस क्या है, तो ये जो टॉप वेरिएंट है ZX और VX में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, और जो लोएस्ट LX जो आता है उसमें आपको एनालॉग मिलता है, उसमें कोई भी फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलती। क्या क्या फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे, VX में जो होगा आपको चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता है, और कॉर्निंग लाइट वगैरह नहीं मिलेगी, डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलेंगे, मतलब डिस्क ब्रेक अलॉय व्हील्स वगैरह इस तरीके के नहीं मिलेंगे। तो ये कुछ माइनर डिफरेंसेस हैं जो VX और ZX में आपको देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड में अगर आते हो, बात करता हूँ, तो साइड में आपको क्या कंट्रोल्स दे रखे हैं, यहाँ पे पास वगैरह लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स, हॉर्न वगैरह, और कुछ सेटअप इसमें नहीं दिया गया, बाकी क्लच वगैरह आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे I3CS वगैरह देखने को मिल जाता है, इंजन कट ऑफ लाइट इस तरीके से कर सकते हो, और इसके बाद में पावर स्टार्ट आपको देखने को मिलता है। की की अगर मैं बात करता हूँ, तो की आपको कुछ इस तरीके की वगैरह प्रोवाइड करी जाती है, तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस चेंजेस हैं इसके लुक एंड फील डिजाइन में। तो ये इस तरीके की आपको दी जाती है। अब इसको ऑन करके देखते हैं, तो जब मैं इसको ऑन करता हूं, तो इस तरीके का कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने मिल जाता है, और हीरो वगैरह की बैजिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। तो ये है ओवरऑल प्रोफाइल, और इसकी एक बार हेडलाइट वगैरह ऑन करके देखते हैं, और इंडिकेटर्स को भी ऑन कर देते हैं। तो पार्किंग लाइट का ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया जाता, तो ये इसके इंडिकेटर की लाइट है, जो कि बहुत ही शानदार सी लाइट दे रखी है, और हेडलाइट का सेटअप इस तरीके से काम करता है। तो ये है इसकी ओवरऑल हेडलाइट, पूरा LED सेटअप मिलता है, हैलोजन सिर्फ आपको बल्ब इंडिकेटर्स में देखने में मिलता है। तो अब एक और चीज है जो एक जिसकी वजह से लोग स्कूटी खरीदते हैं, वो होता है इसका स्पेस। तो इसका जो स्पेस है वो कितना आपको मिल जाता है, जो बूट स्पेस है, कितना आप इसमें सामान रख सकते हो, कितना नहीं रख सकते हो। तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर सकता हूँ, मैंने अभी ओपन कर दिया है। करने के बाद में यहाँ पे हमको 19 लीटर्स की, मतलब 19 लीटर का यहाँ पे पूरा बूट स्पेस मिल जाता है, स्टोरेज स्पेस जो हम बोल सकते हैं, छोटे छोटे सामान हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, और मिल जाती है यहाँ पे LED लाइट। ये आपको बेसिकली मिसिंग मिलेगी लो वाले वेरियंट्स में, बट टॉप वेरियंट में आपको ये मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो 5.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको देखने को मिलती है, और माइलेज जो इसमें मिलता है आपको 45 लीटर का इसमें माइलेज देखने को मिल जाता है। हीरो अपनी तरफ से कुछ कुछ चीजें लेकर के आता है इसमें, और वो मैं बताता हूँ क्या क्या चीज आपको देखने को मिलती है। 5 ईयर्स की वारंटी आपको देखने मिलती है, और ऑल ओवर इंडिया में हीरो के जो सर्विस सेंटर है, अराउंड 9000 प्लस सर्विस सेंटर आपको देखने मिल जाते हैं, जिसमें कहीं पे भी कमी, इसमें कुछ भी दिक्कत आती है, तो किसी भी नियरेस्ट शोरूम में या सर्विस सेंटर में आप जाके विजिट कर सकते हो। 22 साल का ट्रस्ट बना हुआ है, और 1 करोड़ से ज्यादा, मतलब 1 करोड़ से ज्यादा इसके वैल्यूएबल कस्टमर रह चुके हैं। 1 करोड़ से ज्यादा मतलब 10 करोड़ के आसपास होंगे, ये 100+ मिलियंस कस्टमर की बात होती है। और हीरो गुड लाइफ का प्रोग्राम भी आपको इसमें देखने को मिलता है, डिफरेंट कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, और माइलेज भी बहुत अच्छा से मिलता है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप आगरा में हैं तो मगन मोटर्स पे हीरो के प्रोडक्ट्स के लिए आप कॉन्टैक्ट करें।